बस स्वस्थ कुशल मंगल अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मालिक सुंदरयाल में, और आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ आलू की बनी पूरी। क्या आपने कभी इस तरीके से आलू की बनाई है पूरी? वैसे तो जनरली हम बॉईल करके उसकी कचौड़ी या पूरी बनाते हैं, पर आज मैंने क्या लिए हैं, दो आलू लिए, इनको छील लिया, धुल लिया अच्छे से, कद्दूकस कर लिया है, और पूरा आलू का पानी निचोड़ के एक बाउल में रख लिया है, जिसमें बारीक प्याज काटा है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, जीरा डाला है, अजवाइन डाला है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें मसाले डाल रहे हैं, हल्दी, धनिया, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। इस तरीके से सारे मसाले हम मिक्स कर लेंगे एक साथ। हरा धनिया, नमक तभी डालेंगे जब हमें बनाना होगा, और हरी मिर्च थोड़ी सी डाली है, और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम एक साथ। यहाँ पे थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़े से ऑरिगैनो डाले हैं, अगर आपके पास हो तो डालें, ना हो तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है कि डालना ही है, बस आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मसाले कुछ भी डाल सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना एक बार आलू की बनी पूरी या कचौड़ी, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत झटपट बन जाती है। कोई टेंशन नहीं है कि पहले आलू को बॉईल करो, फिर उसको थोड़ा ठंडा करने के रखो, फिर आगे जो भी हमें उसमें डालना है उस चीज़ का इंतज़ार करो, नहीं। आप इस तरीके से भी बनाएंगे तो बिल्कुल वैसे ही टेस्ट, बल्कि मुझे लगता है कि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसके अकॉर्डिंग, बॉयल आलू के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें क्या जो आलू के लच्छे होते हैं ना वो बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं खाने में, अच्छा एक टेस्ट आता है। एक बार इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी। और कभी आपको लगे कि लेट हो रही है, स्कूल में बच्चों को क्या दे, फटाफट आलू लिया, धुल दिया, घिस दिया, मतलब कद्दूकस कर दिया, और उसमें प्याज लहसुन अदरक जो भी आपको मिलाना है, हरा धनिया वगैरह, नमक, हल्दी, धनिया, फिर डाल के इस तरीके से आप बच्चों को या तो आप पराठा बना के दे दीजिए, या इस तरीके से आप कचौड़ी या भोरी पूरी बना के दे दीजिए, बच्चे बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेके खाते हैं। और बस मैंने एक लोई बेली है, उसमें इस तरीके से मैंने जो स्टफिंग है आलू की उसको डाल लिया है, आलू और प्याज की जो स्टफिंग है, और हाथ ही से मैं उसको जितना हो सके प्रेस कर रही हूँ हल्के हाथों से। और बस अब कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, और हम इसको एक एक करके अब तल लेंगे इस तरीके से। और यकीन मानिए ये इतनी टेस्टी बनी थी ना दोस्तों, बहुत टेस्टी, मतलब मेरी बच्ची ही जिद कर रही थी कि मम्मी बनाओ बनाओ, और मैंने तो कद्दू की सब्ज़ी बना रखी थी, बट वो जिद करने लगी। अब मैंने कहा अब आलू की कचौड़ी, मैंने कहा अब तो आलू बॉयल भी नहीं है, फिर मैंने सोचा आज मैं इस तरीके से बनाती हूँ, देखते कैसा टेस्ट आता है। और सच में दोस्तों ये इतना टेस्टी बन के तैयार हुई थी ना, बहुत ही सॉफ्ट, और स्टफिंग इतनी टेस्टी हो रही थी ना इसकी, एक बार ज़रूर आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे रेसिपी तो ज़रूर रेसिपी को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ये देखिए इसका कलर कितना, और ये ना आपको मीडियम फ्लेम में ही सेकना है, फ्राई करना है, आप बिल्कुल फुल फ्लेम में फ्राई मत करिएगा, क्योंकि अंदर जो आलू हैं वो कच्चे हैं। बॉयल आलू में तो आप फुल फ्लेम में अच्छे से सेक सकते हैं, बट कच्चे आलू हैं ये, इसको आपने मीडियम फ्लेम में सेकना है, ताकि जो स्टफिंग है वो अच्छे से पक जाए, अंदर से कच्ची ना रहे, इसलिए आपको मीडियम फ्लेम में इसको फ्राई करना है। और ये देखिए क्या मस्त इसका कलर आया है, और कितनी सुंदर हमारी कचौड़ी लग रही है दोस्तों। एक बार जरूर इस तरीके से बनाइएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये तरीका, और क्या आप भी इस तरीके से बनाते हैं? जब कभी लेट हो रही हो या झटपट किसी ने बोल दिया नहीं हमें ये खाना है, तो क्या आप भी इस तरीके से बना के देते हो शॉर्टकट में? अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रेसिपी को शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि कभी अगर बच्चे जिद करते तो आप भी क्या इस तरीके से बना के देते हैं फिर। और ये थी हमारी नाश्ते की थाली, फिर इसको आप हरी चटनी, सॉस, दही, सब्जी, कैसे भी आप खा सकते हैं, अचार, चाय। ये थी हमारी आज की थाली, जो कि बहुत झटपट बन गई थी बच्ची के कहने पर, मेरी बेटी की डिमांड पर। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं मिलूंगी नई रेसिपी में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।